तो यार नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो यार काफ़ी स्पेशल होने वाली है। मतलब एक तरह कह सकते हो एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में यार एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी लिटरली कोई भी पीसी गेम सस्ते से सस्ते मोबाइल के अंदर खेल सकते हो। और भाई कुछ भी फ्रॉड नहीं है, कुछ स्कैम नहीं है, 100% लिजिट मेथड है और आपकी गेम चलेगी ही चलेगी। तो यार सबसे पहले तो आप देख लो, मैं गेम खेल के दिखाता हूँ। अभी मैंने अपना स्टीम अकाउंट जो है लॉग इन किया है और यहाँ पर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेता हूँ। शुरुआत में बता दूं, ये जो भी होगा क्लाउड गेमिंग के कारण पॉसिबल होगा और इस पे आपका एक भी पैसा जो है खर्च नहीं आने वाला, ना ही आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरी स्टीम लाइब्रेरी आ चुकी थी और मैंने यहाँ से रेनबो सिक्स सीज जो है सिलेक्ट कर ली, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने स्टीम अकाउंट पर खरीद चुका हूँ। तो यार अभी आप देख लो, आपकी आंखों के सामने ये गेम शुरू हो रही है और आपकी आंखों के सामने जैसे कि एक रियल कंप्यूटर पर गेम चलती है वैसी चलेगी और आप उसे खेल पाओगे जैसे कि आप अपने किसी कंप्यूटर पर खेलते हो। तो देख लो यार, पूरा जो इंटरफेस है लोडिंग स्क्रीन वगैरह जितना भी है सामने आ चुका है। और अगर आप यार टॉप लेफ्ट पे देखो तो उधर थोड़े ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे जहां पे एक स्टीम का बटन और एक गेम पैड का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं गेम पैड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, मेरी पूरी स्क्रीन देखो यार बटन से भर जाती है जिसकी मदद से अब मैं गेम खेल पाऊंगा। तो देखो यार इधर दिख रहा है कि ए, अगर आपको सिलेक्ट करना है कैंसिल तो ए प्रेस करो, वरना आप नीचे करके ओके कर सकते हो। तो यार कोई भी, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई भी इसमें स्कैम नहीं है। आप पूरा मैच करके देख लो, जैसे जैसे मैं बटन दबाऊंगा पूरी चीजें वैसी ही होंगी। तो यार इधर मैं आपको सबसे पहले तो यार एक क्विक गेम प्ले करके दिखाता हूँ। इधर जो भी ऑप्शंस वगैरह आए हैं हम इसे जल्दी जल्दी जो है स्किप कर लेते हैं और उसके बाद जो है गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आपको भी मैं गेम प्ले जो है जल्दी से जल्दी दिखा पाऊँ। तो इधर यार क्लोज कर लेता हूँ ये एक्सेसिबिलिटी में और इधर जाके हम जो है सबसे पहले एक क्विक मैच खेलने की कोशिश करते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये चलेगा। ये स्मूथ नहीं चलेगा क्योंकि ये जो फीचर है अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर आपको थोड़ा बहुत लैग तो फेस होगा ही क्योंकि ये जितना भी हम गेम प्ले करेंगे सारा VPN लगा के करेंगे और VPN से तो भाई लैग आएगा ही। पर यार इतनी बात आपको गारंटी दे देता हूं कि जब ये फीचर एक बार इंडिया में लॉन्च हो गया तो आप बिल्कुल बहुत आराम से ये सब गेम खेल पाओगे बिना किसी लैग के और बिना किसी यार 1-2 लाख के कंप्यूटर को बाय किए बगैर। तो आप देख पा रहे होंगे इधर क्विक मैच सेलेक्ट कर लेते हैं और हम ए दबा के जो है जल्दी से क्विक मैच को यार शुरू कर लेते हैं। तो देखो यार लोडिंग स्क्रीन के बाद ये हमारा क्विक मैच शुरू हो चुका है और इधर अगर आप देखो तो हमारी ऑरेंज टीम और ब्लू टीम के बीच में जो है फाइट हो चुकी है। तो इधर सबसे पहले हमें अपने करेक्टर वगैरह जो भी है जल्दी जल्दी सिलेक्ट करने होंगे और उसे रेडी करना होगा। कंफर्म लोड आउट हम यही कर लेते हैं, ठीक है, जो पहले से ही है। और बाकी टीम मेंबर्स जब तक रेडी होते हैं तब तक हमारी गेम नहीं स्टार्ट हो सकती। तो यार जब तक ये सारे टीम मेंबर्स रेडी हो जाते हैं तब तक हमें वेट करना पड़ेगा यार। तो देखो लो अभी ऑरेंज टीम के सारे रेडी हो चुके हैं और हमारी टीम से एक बंदा भी रेडी होने को है। तो यार ये भी जो है अभी आ चुका है और मेरे ख्याल से रेडी होने वाला है। तो यार ये भी रेडी हो चुका है। तो यार अब फाइनली जो है हमारी गेम चल पड़ेगी अगर आप देख पा रहे होंगे। तो यार अभी जो है मैंने कि जैसा आपको बताया अभी ये अर्ली स्टेज पे है, तो इसे आप जज मत करना कि भाई काफी लैग हो रहा है। लैग होगा क्योंकि यार ये अभी इंडिया में नहीं आया, पर एक बार इंडिया में आ जाएगा तो यार बिना लैग के हम यार मतलब कहीं भी ऑन द गो इतनी हाई एंड गेमिंग कर पाएंगे। और ये हो कैसे पॉसिबल रहा है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो यार क्लाउड गेमिंग क्या होती है, ये जो आप गेम देख रहे हो ये सिर्फ डिस्प्ले आपके फोन पे हो रही है, पर ये जो प्रोसेस हो रहा है वो किसी कंप्यूटर पे हो रहा है जो कि काफी हाई एंड कंप्यूटर होता है, जो कि एक सर्वर जहां पे लगे होते हैं वहां पे स्टोर्ड होता है। और वो कहीं भी हो सकता है, USA में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, या कहीं भी किसी और कंट्री में हो सकता है। तो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी उस सर्वर पे हो रही है, उस वाले कंप्यूटर पे हो रही है। आप सिर्फ उसे कंट्रोल कर रहे हो अपने घर बैठे हुए और उस गेम के जो स्क्रीन, वैसे भी आप स्क्रीन ही देखते हो गेम की और स्क्रीन से उस गेम को कंट्रोल करते हो, आपको वैसे भी प्रोसेसिंग से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। तो यार जितनी भी प्रोसेसिंग है वो दूसरे कंप्यूटर पे हो रही है, आप सिर्फ उस स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हो और उसे सिग्नल भेज रहे हो कि अब मैंने ये बटन दबाया अब ये करो, वो बटन दबाया वो करो। तो आप देख पा रहे होंगे यार कितने ऑसम ग्राफिक्स है, आप जितनी मर्जी हाई सेटिंग कर सकते हो क्योंकि भाई जो उन्होंने सर्वर पे कंप्यूटर रखे हुए हैं अपने वो काफ़ी हाई एंड होते हैं और सारे जो आपकी मैक्स ग्राफिक्स भी हैं उसे संभाल लेंगे। तो देखो यार मैं बटन दबा रहा हूँ तो अभी उसने जो है बॉम्ब घेर दिया, ग्रेनेड घेर दिया और बाकी जो है आप जितना भी मतलब गन्स वगैरह गोली वगैरह चला सकते हो, स्कोप खोल सकते हो, जंप कर सकते हो, क्राउच कर सकते हो, मतलब जितने भी बटन है आप चाहे तो एक क्विक ट्यूटोरियल ले सकते हो शुरू में अगर आपको नहीं पता कि कैसे बटन से कौन सा काम होने वाला है। पर अगर आपको नॉलेज है, आप पहली कंसोल्स पे खेल चुके हो तो आपको यार काफी मतलब आप जानते होंगे कि किस बटन से क्या फंक्शन होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी मेरा बंदा देखो अभी उसने हैंड से मारने की कोशिश की अपनी नाइफ से गन को पीछे करते हुए। तो यार ये गेम काफी अच्छी है रेनबो सिक्स सीज और इसे काफी मतलब एक डिसेंट पीसी चाहिए होता है रन करने के लिए स्मूथली। तो यार अभी देखो यार
जैसे कि अभी मैंने स्कोप खोल के रखा हुआ है और आप इसे गोलियां भी चला सकते हो। देखो जैसे कि मैं आरटी दबा रहा हूँ तो यार ये सीधा सीधा साथ में गोली चल रही है। तो भाई गेम प्ले तो आपको मैंने काफ़ी दिखा दिया, अब आपके मन में होगा कि भाई इसे डाउनलोड कैसे करें, हम कैसे खेल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको कोई भी वीपीएन लेना है, यूएसए का वीपीएन सेलेक्ट कर लेना, उसके अंदर कनेक्ट करने के बाद एक ऐप आता है एनवीडिया जी फोर्स करके, जो कि अभी जो है आपको अवेलेबल नहीं होगा शायद आपके कंट्री में, पर आपको यार इंटरनेट पे गूगल या मैं ही लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आपको यार वो ऐप डाउनलोड कर लेना है और फिर वीपीएन लगा के आपने उसके अंदर साइनअप वगैरह कर लेना है। तो यार सबसे पहले मैं वीपीएन ऑन कर लेता हूँ, आप देख पा रहे होंगे अभी मैंने स्पीडीफाई वीपीएन खोला हुआ है और इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ये टेस्टिंग सर्वर हो रहा है अभी, तो ये कनेक्ट लेने में शायद दो तीन जो है मिनट लेगा। तो यार अभी ये कनेक्ट होगा, ठीक है, अभी ये टेस्टिंग सर्वर कर रहा है, और जैसे ही यार ये यूएसए का वीपीएन कनेक्ट हो जाता है तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर जो है बता देता हूँ। तो देखो अभी कनेक्टिंग हो रहा है, तो अभी शायद कनेक्ट हो जाएगा जल्दी, तो कनेक्टेड हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही आपको बताया डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके आपने जो है जी फोर्स ऐप ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप जी फोर्स ऐप ओपन करोगे तो यार उसमें आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, एक न्यू आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, वो नहीं मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी आईडी पहले से ही साइन इन है और आप मेरी स्टीम लाइब्रेरी में गेम्स भी देख सकते हो, कितनी सारी गेम्स है इधर, ठीक है। आप अपनी एपिक गेम्स या स्टीम लाइब्रेरी कोई भी लिंक कर सकते हो और आपकी जो भी गेम्स उनमें होंगी वो आप खेल सकते हो। कुछ गेम फ्री भी हैं जैसे कि CSGO, Fortnite, वो आप बिल्कुल फ्री में भी खेल सकते हो। तो यार इधर से ही आपको गेम सिलेक्ट करनी है और आपको गेम प्ले करनी पड़ेगी। जैसे कि इधर मैं सर्च मारता हूँ साइबरपंक या वॉच डॉग्स, तो आप देख पा रहे होंगे वॉच डॉग्स आपके पास स्टीम पे है, चाहे आपके यूबीसॉफ्ट पे है, चाहे आपके यार एपिक गेम्स पे है, अगर आपकी लाइब्रेरी में वो है तो आप यहाँ पे उसे खेल सकते हो। तो ऐसे भी कोई भी गेम साइबरपंक वगैरह आप खेल सकते हो। तो यार आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।